Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए revision question and answer लेकर आई हूँ class 1st subject EBS. ये revision question आपका ET1 के लिए रहेगा. ET1 के लिए है जो कि अभी exam होने वाली है. हर school में exam हो रही है अभी और कुछ स्कूलों में होने वाली है. तो अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस की आप बच्चों को ईवीएस में तैयारी करवाएंगे. इसके साथ ही अदर सब्जेक्ट्स की भी मैं रिवीजन क्वेश्चन लेकर आऊंगी. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. इसके साथ साथ मैंने आंसर को भी डाल दिया है. चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार का रह सकता है. कंप्लीट द पेयर If tall equal to short, then fat equal to thin. If hair cut equal to 1 month, यानी hair cut हमें एक महीने में करवाना चाहिए, तो then trimming nail equal to 1 day. If toes is equal to feet, then finger is equal to hand. Toes हमारे पैरों में होते हैं तो fingers हाथ में रहते हैं. Next, if hot is equal to tea, tea hot रहता है, तो then cold what? आइसक्रीम कोल्ड. एंड इफ स्वीट इज इक्वल टू चॉकलेट तो देन सॉल्टी चिप्स. ये रेड रेड कलर से जो लिखा हुआ है बच्चों को फिलअप करने के लिए आता है, बाकी सब लिखा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं. विच पार्ट ऑफ योर बॉडी विल यू यूज फॉर डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स, यानी बॉडी के कौन से पार्ट से आप क्या करते हैं ये हमें देखना है. जैसे होल्डिंग द बॉटल, बॉटल को हम होल्डिंग कहाँ करते हैं, हैंड में. तो ये आंसर हो गया आपका हैंड. किकिंग अ बॉल, बॉल आप कैसे किक करते हैं, फूड से. बीटिंग चॉकलेट, चॉकलेट कैसे बीट करते हैं, किस चीज से करते हैं, हाथ से, सॉरी टीथ से, दांत से करते हैं. बीटिंग चॉकलेट टीथ. पॉइंटिंग द स्टार, स्टार को हम पॉइंटिंग कैसे करते हैं, फिंगर से. एंड केयरिंग द स्कूल बैग, स्कूल बैग को हम केयर कहां करते हैं, शोल्डर में, यानी कंधे पर. तो इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आप बच्चों को करवा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से इसको हमें मैच करना है. ट्रिम टू कट लॉन्ग हेयर और नेल, ट्रिम वर्ड हम का मतलब होता है लॉन्ग हेयर और नेल को कट करना. शुड बी राउंड एंड सॉफ्ट. फॉल्स फ्लॉश क्लीन बिटवीन द टीथ, टीथ के बीच में जो रहती है क्लीन, बिटवीन द टीथ के बीच में साफ करना. म्याओ साउंड दैट इज कैट मैक्स, बिल्ली की वॉइस को म्याओ बोलते हैं. बिल्ली कैसे बोलती है, म्याओ. साउंड दैट इज कैट मैक्स, जो बिल्ली आवाज निकालती है उसको म्याओ बोलते हैं. एंड फाइट टिकल टू टच इन सॉफ्ट वे ऑफ लाफ्टर, यानी सॉफ्ट वे में टच करने पे सॉफ्ट वे में हंसी आए उसे हम टिकल बोलते हैं. मीन्स हिंदी में आप समझ सकते हैं गुदगुदी. मिरर मीन्स आईना, अ थिंग इन विच वी कैन सी आवर सेल्फ, जहां पर हम अपने आप को देखते हैं. कंप्लीट द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स. टंग हेल्प अस टेस्ट आवर सो बिटर सॉल्टी एंड द स्वीट थिंग्स. टू इन सिंगल पेरेंट फैमिली द चिल्ड्रन लिव विथ ओनली वन ऑफ देयर पेरेंट्स. सिंगल पेरेंट फैमिली वो होता है जहां पे बच्चे पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के साथ अकेले रहते हैं, या मदर के साथ रहते हैं या फिर फादर के साथ. नंबर 3, फिंगर्स ऑन आवर फीट आर नोन एज टो, फीट के जो पैर के जो फिंगर्स होते हैं उन्हें हम टोज कहते हैं. एंड 4, वी हैव 10 फिंगर्स ऑन आवर हैंड एंड 10 टोज ऑन आवर फीट, अर्थात हमारे हाथों में 10 फिंगर्स होती है, दोनों हाथ में 5 + 5 = 10. उसी प्रकार 10 टोज में भी रहती है, 10 टोज ऑन आवर फीट, अर्थात पैर के पाँव में भी हमारे पास 10 टोज रहते हैं. 5, द सिस्टर ऑफ मदर और योर फादर इज नोन एज योर, क्या कहलाते हैं, यानी कि हम मम्मी की बहन को या पापा की बहन को हम क्या बोलते हैं, आंट या आंटी. एंड नंबर 6, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, दो तरह की फैमिली होती है. नंबर 1, न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे मदर फादर एंड उनके बच्चे रहते हैं. एंड 2, ज्वाइंट फैमिली, जहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और सभी बच्चे रहते हैं, वो हमारी हो जाती है ज्वाइंट फैमिली.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच बॉडी पार्ट एम आई, इसे हमें पहचानना है. आई एम रोजी इन कलर्स, आंसर क्या हो गया, लिप्स. लिप्स का कलर क्या होता है, रोजी. टू, आई एम ऑन योर फेस, आई एम द चुबी चिक्स. थर्ड, काउंट नंबर ऑन मी, आई एम योर फिंगर्स. फोर, आई हेल्प यू टू सी एंड ब्लिंक एट मी योर, मैं तुम्हें देखने में और ब्लिंक करने में मदद करता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्या हूँ, आईज. नंबर फाइव, यू कैन स्मेल फ्लावर विथ माई हेल्प, आप फ्लावर को मेरी सहायता से स्मेल कर सकते हैं, तो मैं क्या हूँ, नोज. एंड सिक्स, आई हेल्प यू टू फिल द हॉट एंड कोल्ड, आप मेरी सहायता से किसी भी चीज को फिल कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो किसकी सहायता से, स्किन. नेक्स्ट, इसी तरह के क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में बच्चों को पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट इसी तरह के छोटे छोटे पैराडिक फर्स्ट में बच्चों से पूछे जाते हैं, कि बच्चों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पर ज्यादा लिखा रहता है, एक एक वर्ड दो दो वर्ड उनको याद करना रहता है. जैसे देखिए यहाँ पे रेड में हमने एक एक वर्ड दो दो वर्ड टाइप के लिखे हुए, जो बच्चों को याद करना रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं रहते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आप देखना ना भूलें. थैंक यू.